बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी टू फैमिली के तमाम अहले खाना को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? शुक्र है माशाल्लाह से अल्लाह पाक का कि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जो मेरे प्यारे बुज़ुर्ग और जो मेरे प्यारे बहन भाई और जो मेरे प्यारे बच्चे हमें मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान से देख रहे हैं या बाहर ममालिक से देख रहे हैं, तो उन सब से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार भरा सलाम और मेरी ढेरों दुआएँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, खुदा करे जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इस सब मैं बनाने लगी हूँ सालन। तो सालन में बनाऊँगी आज मैं माश की दाल, तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो रहिएगा मेरे साथ। तो पहले मैं गूंद लेती हूँ आटा और फिर बना लूँगी दाल। दाल आपको दिखाते हैं, मैंने भिगो के रख दी, चार घंटे हो गए माश की दाल को धो के, अच्छी तरह वाश करके मैंने भिगो दिया था। तो अब इंशाल्लाह तरह इसको धो के ना अभी पकाना शुरू कर देंगे, पहले उबाइल करूँगी फिर उसके बाद इसको ना मसाला तड़का लगा के ना तो आपके सामने साथ पकाऊंगी, शेयर करूँगी। तो आप पहले आटा गूंद लेते हैं, आटा माशाल्लाह ज़्यादा गूंदूँगी। तो ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने अभी ताज़ा बनाया है। ये पाउडर मसाले जिसमें है 1 चम्मच सुरख मिर्च का, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खुश्क धनिया का, 8 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी हल्दी। ये है हमारी दाल माशाल्लाह से 1/2 किलो के करीब है, फ्राई करके बनाऊंगी। और पानी मैंने ऊपर रख दिया जिसमें बॉयल आ चुका है, अब डाल देते हैं दाल। बिस्मिल्लाह, इस पर बना रही हूँ शाम की चाय, देख सकते हैं अच्छी तरह हो जाए ना कड़क, फिर डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में खा लिए हैं बिस्किट, वो बर्गर खाने वाली बिस्किट, निम्को यहाँ पर डाल रखनी है बिस्किट, और ये हैं 2 कप चाय के, 4 बंदों को चाय देनी है। यहाँ दाल बॉयल हो गई, थोड़ी देर उतार लिया इसको, चाय हमारी हो चुकी तैयार। रहमान रहीम, तो मैंने ऑन कर लिया है, देश का ऊपर रख दिया है और दाल मैंने ना निकाल ली इसमें से, फिर को धो लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑयल डाल लेते हैं, कम नजर आ रहा है बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच कर देते हैं, और हरी मिर्ची डाल देते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, साथ में डाल दिए 2 हरी मिर्चें, तो फ्लेम कर दिए कम, तब इसको ढक्कन दे देते हैं, पकने के लिए रख देते हैं। तो दाल माशाल्लाह से हो चुकी है हमारी तैयार, आप देख सकते हैं दाल तैयार हो चुकी है। तो डिश आउट कर ली मैंने, तो धनिया धो के अच्छी तरह वॉश करके रखा है, धनिया भी डाल दिया है, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है।
दाल माश की दाल है। चलिए अब रोटियां बना लेते हैं।